नमस्कार दोस्तों, क्या आपने खबरों में सुना मैं एक वाइल्ड कार्ड एंट्री मारने जा रहा हूँ बिग बॉस में। इंडिया टीवी, इंडिया टाइम्स, एबीपी न्यूज, इंडिया टुडे, जूम टीवी, पिंक विला, इकोनॉमिक टाइम्स, अभी तक ना तो किसी ने मुझसे पूछा बिग बॉस में जाने के लिए इस सीजन में, और ना ही मैंने किसी को बोला कि मुझे बिग बॉस में जाना है। तो सबसे पहले तो आपको हमारे इंडियन मीडिया का स्टैंडर्ड इससे पता चलता है क्या है। एक बार फिर से आपको दिखाते हैं दिल्ली में बाढ़ की त्रासदी, और देखिए अभी यमुना का जलस्तर कम हो रहा है। बेसर पैर कुछ भी छाप देंगे। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पर यह है कि आप में से कुछ लोगों के मन में सवाल होगा, अगर बिग बॉस में मुझे इनवाइट किया जाए तो क्या मैं जाऊंगा बिग बॉस? सही पकड़े हैं। मैं क्लियरली कहना चाहूंगा कि इनवाइट करना तो छोड़ो, अगर ये मुझे पैसे भी ऑफर करें इस शो में आने के लिए, लाखों करोड़ों जितने भी पैसे ऑफर करें इस शो में आने के लिए, ऐसे नॉनसेंस शो में मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं जाऊंगा। मेरी राय एक समय पर ये लड़का सिद्धार्थ यादव, इसने एक YouTube वीडियो बनाया था जिसमें इसने कहा कि हमारे देश में कितने वेले लोग हैं कि वो सलमान खान की फिल्में देखते हैं जिनका कोई सर पैर नहीं होता। हमें ये अंदाजा होता है कि हमारे देश में कितने खाली बैठे हैं जिनको ऐसी मूवी देखने में मजा आता है, जिन मूवीज का ना कोई सर है पैर है। पर सल्लू भाई की मूवी है, 1000 रुपए की टिकट हो भाई की मूवी है, देखनी है तो देखनी है। बात कहीं ना कहीं ठीक कही थी कि हमें कोई ऐसा कंटेंट नहीं देखना चाहिए जिसमें कोई इंटेलेक्चुअल चीज या प्रोफाउंड चीज नहीं होती, जिसमें कोई सर पैर नहीं होता। वो अलग बात है कि अब ये खुद जाकर बिग बॉस के घर में खड़ा है। लेकिन बात ये भी सच है कि बिग बॉस इसी टाइप के लोगों के लिए सबसे फिट जगह है। ऐसे ही लोग डिजर्व करते हैं बिग बॉस में जाना, और इनफैक्ट जीतना भी। मुझे यकीन है कि ये शो को जीत भी सकता है क्योंकि